गिवन स्लिप अंडर नई टेक्नोलॉजी स्वीकार कर बीटी कपास का उत्पादन बढ़ा दिया है। पिछले 5-7 वर्षों में 86 हेक्टेयर भूमि में 2010-11 में बढ़ाकर 1.11 करोड़ हेक्टेयर में उत्पादन किया है तथा कपास उत्पादन 2044 बेल थे उससे बढ़ाकर 334 बेल तक पहुंचा दिया है। सन 2011-12 में 122 लाख हेक्टेयर से 365 बेल होने की संभावना है, किंतु वर्तमान केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने कपास मिल मालिकों के इरादे पर कपास आयात निर्यात नीति में परिवर्तन कर किसानों को बेहाल कर दिया है। गिरे हुए दर 1000 रुपयों की घट से कपास उत्पादकों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। सीसीआई कॉटन कॉरपोरेशन को भी कम दर से कपास बेचने पर 300 करोड़ का नुकसान होने का अंदाजा है। सरकार की गलत नीतियों के कारण लाखों किसानों का भविष्य धूल में मिला दिया है। वे उत्पादन के लिए मारक साबित हुए। गत वर्ष में कपास के विकास के साथ ही खिलवाड़ से निकास कम रही। इस वर्ष 30 लाख बेल ज्यादा उत्पादन होने के बावजूद यह कैरी ओवर स्टॉक 80 लाख बेल का बोझ उठाना पड़ रहा है। समृद्ध देशों ने दोहा राउंड में कपास पर उनके देशों की भारी सब्सिडी कम करने की मांग की है। चीन के बाद भारत कपास उत्पादन में दूसरी नंबर पर पहुंचा है। कम उत्पादन से परिचित भारत के कपास उत्पादक ने कपास उत्पादक 278 किलो से 521 किलो तक पहुंचाया है। मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं, आज के तारांकित प्रश्न 264 बाजार हस्तक्षेप योजना हेतु आवंटन के जवाब के तहत कृषि मंत्री ने अपने जवाब से लोकसभा को अवगत कराया कि गुजरात सहित 8 राज्यों में कपास उत्पादनों को उत्पादन का योग्य मूल्य नहीं मिल रहा है। उनकी कोई फरियाद की मांग आज तक नहीं है। मैं आपको इससे सदन से अवगत कराना चाहती हूं कि हमारे गुजरात के कृषि मंत्री जी ने 5 दिसंबर अथवा मैंने 12 दिसंबर 2011 को इसके बारे में कृषि मंत्री माननीय शरद पवार जी को अवगत कराया था। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि सरकार कपास आयात निर्यात नीति का पुनरावलोकन करे एवं कपास उत्पादन को होने वाली हानि से बचाए। थैंक यू।